हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट के यूनिट 3 का चैप्टर 1। ठीक है, मैंने अभी तक 2 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें दोनों यूनिट्स में अराउंड 3-3 चैप्टर थे जो कि मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग हो सकता है कोई असाइनमेंट्स में आपने क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है उत्साह और ये लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी ए आपका कोर्स है, फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 3 चैप्टर 1। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ी सी जीवनी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा उत्साह चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर निबंध लिखने की बात करें हम लोग, निबंधकार, ठीक है, अच्छे से अच्छे निबंध किस व्यक्ति ने लिखे हैं, तो वहाँ पे नाम आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, हिंदी के निबंधकार के क्षेत्र में इनका एक विशेष स्थान है। अगर हम हिंदी के निबंधकार के क्षेत्र में एक बात करें कि किन किन व्यक्तियों ने निबंध लिखे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले होगा। ठीक है, इनका एक विशेष स्थान है हिंदी के क्षेत्र में। दूसरा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य किया है, परंतु यह वह निबंध के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य मतलब कहानियों लिखने के क्षेत्र में भी काम करा, कहानी कविता लिखने के क्षेत्र में भी काम करा, पर उन्होंने निबंध का जो क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बहुत अधिक सफलता पाई। उसके बाद आता है रामचंद्र शुक्ल ने पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पत्रिकाएं जिनको हम मैगजीन्स कहते हैं, उनके एडिटर जिसको हम पत्र का कह सकते हैं, संपादक या फिर एडिटर कहते हैं, ठीक है, उसके रूप में भी इन्होंने कार्य किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये एक प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने के बारे में थोड़ी सी उनकी जीवन की परिचय के बारे में है। ठीक है, आप आता है फिर जीवन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अगोना में 1884 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अगोना में 1884 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आता है उनका जन्म के बाद उनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर आ गए। ठीक है, उनके जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था अगोना में, उसके बाद उनके पिताजी चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर आ गए। ठीक है, पूज्य चंद्रबली शुक्ल वो आ गए मिर्जापुर, अगोना से मिर्जापुर आ गए। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर में अपनी शिक्षा प्राप्त की और उनके साहित्य जीवन का निर्माण भी मिर्जापुर से ही हुआ। तो उन्होंने अपनी बेसिक जो एजुकेशन होती है वो मिर्जापुर में पाई, उसके बाद मिर्जापुर से ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना जीवन आगे बढ़ाया। फिर आता है शुक्ल जी के निबंध के विषय। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने निबंध कुछ क्षेत्रों में ही लिखे हैं। ठीक है, जैसे निबंध बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत ही अधिक प्रकार के निबंध होते हैं, जैसे कि हंसी पे लिखना, खुशी पे लिखना, ठीक है, किसी के दुख पे लिखना, इस प्रकार के निबंध होते हैं अलग अलग कैटेगरीज वाइज। ठीक है, तो उन्होंने किस विषय पर लिखे, तो शुक्ल जी के निबंध के विषय मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला मनोविकार से संबंधित मनोवैज्ञानिक निबंध। ठीक है, अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने 2 प्रकार के क्षेत्रों में निबंध लिखे हैं। पहला मनोविकार मतलब दिमाग से जुड़े हुए, मानसिकता से जुड़े हुए बीमारियाँ, रोग, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक निबंध, और दूसरा काव्य शास्त्र तथा समीक्षा से संबंधित निबंध। इन्होंने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं। फिर आता है चिंतामणि के भाग 1 के आरंभ में 10 निबंध मनोविकार से संबंधित है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध का पूरा हम कह सकते हैं ग्रंथ है। ठीक है, उसमें शुरू के पहले भाग में आपको 10 निबंध देखने को मिलेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, मनोविकार मतलब मानसिक रोगों से रिलेटेड है, जिसमें से प्रथम निबंध भाव्य मनोविकार है और अन्य निबंध जो हैं वो क्रमांश हैं, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सब उनके निबंधों के नाम हैं जो कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे कुछ पता पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन। तो लज्जा, गलीना, लोगों के प्रति, लोगों और प्रति घृणा, ईर्ष्या, भाव और क्रोध। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में भी हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहीं ना कहीं निबंध लिखे हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे एक प्रकार से मनोविकार से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्ल जी के
मनोविकार से संबंधित निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध प्रतीत होते हैं। मनोविकार मतलब दिमाग से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनसे संबंधित जितने भी निबंध हैं वो मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यह निबंध व्यक्ति के मानसिकता के विश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, ये जो निबंध है ये किसी व्यक्ति के बारे में उसकी मानसिकता के बारे में हमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस निबंध से हम पढ़ के किसी व्यक्ति की मानसिकता को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी मानसिकता में किस प्रकार के विकार हैं। शुक्ल जी के निबंध समाज मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी निबंध लिखे हैं वो समाज के मनोवैज्ञानिक से संबंधित हैं। उसके बाद आता है उत्साह, जो हमारा चैप्टर का नाम है उत्साह सार और विश्लेषण। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि उत्साह और सार विश्लेषण के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो प्रथम है कि प्रथम अनुच्छेद में जब उत्साह हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना निबंध, तो उसके प्रथम अनुच्छेद में कुछ बताया गया है कि शुक्ल जी के निबंध का शीर्षक रहा है। ठीक है, उत्साह शुक्ल जी के निबंध का शीर्षक है। इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है विषय की लीक पर चलना। ठीक है, मतलब प्रथम जो उत्साह है इन निबंधों की एक प्रकार की हम विशेषता कह सकते हैं, वो इस प्रकार की विशेषता है कि ये केवल एक ही लेन में चलते चले जाते हैं। ठीक है, अगर उत्साह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये उत्साह तक ही चलते चलेंगे। उत्साह के बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। ध्यान आता है कि उत्साह निबंध का प्रथम अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उत्साह निबंध कभी पढ़ेंगे या फिर मैं इस चैप्टर के एंड में आपको उत्साह निबंध के कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा, ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का है। तो उत्साह निबंध का जो प्रथम अनुच्छेद है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद में कुल 6 वाक्य है। उत्साह निबंध के अंदर आप देखें तो आपको कुल 6 वाक्य देखने को मिलेंगे। पहले वाक्य में आपको बताया गया है दुख, दुख के वर्ग में जो स्थान वहाँ का है। ठीक है, दुख के वर्ग में भय का जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। ठीक है, तो दुख के वर्ग में अगर आपके जीवन में दुख है तो भय मतलब आपको डर लगता है, उस डर का जो स्थान है वही अगर आप खुश हैं तो उत्साह का वही स्थान आपके मन में होगा। यह मैंने उसी प्रकार बताया कि जिस प्रकार दुख के समय व्यक्ति में एक भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति खुश होता है तो आनंद का वर्ग में उसका उत्साह आरंभ होता है और एक अलग स्थान बन जाता है। ठीक है, एक अलग स्थान बन जाता है। भय को उत्साह के ठीक विपरीत रखा गया है। ठीक है, जब व्यक्ति दुखी होता है मन से दुखी होता है तो उसके जीवन में भय डर ये ईर्ष्या ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। बट अगर व्यक्ति वहीं खुश है, ठीक है, अच्छा अपना जीवन बिता रहा है तो उत्साह वो रोज़ एनर्जेटिक रहेगा। ठीक है, उसके मन में उत्साह रहेगा कुछ नया करने का, इस प्रकार की स्थिति उसके मन में पैदा होती है। फिर आता है भय। भय में हम प्रस्तुत कहानी कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुख और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने की प्रतिमा भी प्रयत्न भी करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रतिमा नहीं है, यहाँ पर आएगा प्रयत्न मतलब कोशिश। तो यहाँ बताया गया है कि दुख में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम के विशेष के रूप में दुख और कभी कभी उस स्थिति से दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करिए आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा दुख है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कभी कभी आपका मन करेगा कि मैं ये सब छोड़ दूँ, इन सब दुखों को, और यहाँ से भाग जाऊँ, इस प्रकार की आप कल्पना करेंगे। हम भय, यहाँ पर भय आएगा, भय से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। उस स्थिति में रहने हमें पसंद नहीं, क्योंकि उस स्थिति में रहना दुख कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो दुख की स्थिति है। ठीक है, दुख की स्थिति में कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहेगा। उसी प्रकार हम दुख की स्थिति से भागना चाहते हैं। फिर आता है तीसरा कि उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थितियों के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख और दुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। जब भी आप उत्साहित होते हैं, ठीक है, तो आपके पास एकदम से ही अपने आप ही अंदर से ताकत आती है कि कोई कठिन समय आएगा तो आप उसको पास कर लेंगे। ठीक है, आप उस कठिन समय को भी देख लेंगे, इस प्रकार के आपके अंदर से भावना उत्पन्न होती है जब आप एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्साहित होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस स्थिति में कठिन स्थिति का सामना साहस से किया जाएगा और यह कर्म होने निश्चय ही सुख देगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जब भी आपके जीवन में कठिनाई आती है तो आपको कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, जबकि उन कठिनाइयों का
फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उनको सामना कर देंगे, उन कठिनाइयों को समाप्त कर देंगे, तो आपको इतना ज़्यादा सुख मिलेगा अपने जीवन में कि उसकी कोई हम कह सकते हैं उसको कोई नाप ही नहीं सकता। ठीक है, इतना ज़्यादा आपके अंदर उत्साहित होना चाहिए। उसके बाद आता है कि उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने का आनंद भी योग रहता है। तो जब आप उत्साहित होते हैं तो आपके अंदर कष्ट या फिर हानि सहने की ताकत तो आ ही जाती है, साथ में जब आप उस कष्ट को समाप्त कर देते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, आनंद का भी योग रहता है, जब आपको आनंद भी मिलता है। उत्साह में कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है, कष्ट और हानि सहने की चिंता नहीं रहती। जब आप उत्साहित होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सपोज करिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इतने उत्साहित हैं कि आप अपनी 12वीं कक्षा में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई कठिनाई आती है, आप छोटे मोटे टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं, तो इससे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बड़ी कठिनाइयों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि छोटे मोटे कष्ट को सहने की चिंता नहीं रहती है, उसका सामना हंसते हंसते कर लिया जाता है। फिर आता है साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, ठीक है, साहसपूर्ण आनंद। जब आपके अंदर साहस होता है, आपके अंदर ताकत होती है कि आप किसी भी कठिन समस्या को देख लेंगे, उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है, उसी प्रकार साहसपूर्ण, जब आपके अंदर साहस होता है, उस आनंद की जो उमंग है, उमंगों को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि आपके आपको एक उमंग दिख रही है कि आप अपने दम पर 12वीं कक्षा में टॉप कर सकते हैं, ठीक है, तो उस उमंग को क्या का नाम है, उत्साह। सभी वाक्यों का निष्कर्ष इस वाक्य में बताया गया है, और उत्साह की परिभाषा देते हुए कहते हैं साहसपूर्ण यहाँ पे आएगा आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है, ठीक है। तो ये थी आज के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको आज के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के आ रहे थे कमेंट कि सर इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट बनाइए, तो लीजिए नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, तो प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए, साथ में मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करिए, इसके चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और सिंपली ये नोट्स कहीं एक्स्ट्रा बुक्स से नहीं बनाए गए हैं, बस आपके जो सपोर्ट मटेरियल है उसको स्टडी करके पूरे चैप्टर में से जो मेन कंटेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप सिंपली आप चाहें तो अपनी बुक को भी एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिल जाएगा, बट ये नोट्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।